नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा इस थंबनेल के लिए, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे भी गुस्सा इसी थंबनेल की वजह से आया था। मिस्टर इंडियन हैकर ने अभी जो वीडियो डाला है उससे साफ हो गया है कि अब वो तंदुरुस्त है, लेकिन भाई अब ठीक होने के बाद भी कोई वीडियो नहीं आया तो यह बात मन में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। दोस्तों मैं अपने दिल की बात बताता हूँ, वर्ष 2016 की बात है, जब जियो लॉन्च हुआ था तब यूट्यूब पर हमें 4 GB डेटा खर्च करने में बड़ा मज़ा आता था। तब ऐसे ही वीडियो देखने के बाद मुझे एक विदेशी चैनल मिस्टर हैकर का एक वीडियो दिखा। हम तो ठहरे साइंस लवर, तब मैं मिस्टर हैकर की वीडियो बहुत देखता था। कुछ दिनों बाद मिस्टर इंडियन हैकर के साइंस रिलेटेड वीडियो मेरे यूट्यूब पर आने लगे थे। मैं वो सारे वीडियोस देखता था। उस समय ऐसे प्राउड फील होता था भाई कि भारत का एक बंदा है जो विदेशी लोगों को चुनौती देता है। उस समय मिस्टर इंडियन हैकर के सब्सक्राइबर बहुत कम थे और मिस्टर हैकर के बहुत ज़्यादा थे, लेकिन समय बदलता गया और धीरे धीरे दिलराज भाई मिस्टर हैकर को पीछे छोड़ कई आगे निकल गए। जिस दिन दिलराज भाई ने विदेशी चैनल मिस्टर हैकर को पीछे छोड़ दिया था, उस दिन दिल ऐसा झूम कर उठा था। दिलराज भाई उससे कई गुना बढ़िया वीडियोस बनाने लगे थे, उनकी वीडियोस को ज़्यादा पसंद किया जाने लगा था। तो दोस्तों आज की वीडियो में जानते हैं मिस्टर इंडियन हैकर का यूट्यूब सफ़र, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मिस्टर इंडियन हैकर यानी दिलराज सिंह रावत का जन्म 1 जनवरी 1996 को राजस्थान के अजमेर के एक छोटे से गाँव में हुआ था। बचपन में उन्हें सभी दिल्लू दिल्लू कहते थे। वह बचपन में काफ़ी शरारत भी किया करते थे, जिस वजह से उनके परिवार वाले उनसे काफ़ी परेशान रहते थे। अपनी शुरुआत की पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से पूरी करने के बाद वह DAV पब्लिक स्कूल में अपना एडमिशन करवाते हैं, जहां से फिर वह अपनी 12th क्लास को साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट करवाते हैं। दरअसल उन्हें बचपन से ही साइंस की चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी रही है। उनकी क्लास 12th के मार्क्स की बात की जाए तो उन्हें 80% से भी ज़्यादा मार्क्स 12th में मिले हैं, जिसके बाद उनका एडमिशन अजमेर के एक अच्छे कॉलेज में होता है जिसका नाम गवर्नमेंट ITI कॉलेज ऑफ अजमेर होता है, जहाँ से वो अपने ग्रेजुएशन पूरी करते हैं। उनके परिवार में 4 लोग हैं, उनके माता पिता और एक छोटा भाई है। उनके छोटे भाई का नाम राजसिंहन रावत है। दरअसल वह हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट घर पर जरूर किया करते थे। उनके कई दोस्त भी साइंस की कुछ बातें उनसे सीखा करते थे। तभी उनके ही एक दोस्त ने बताया कि भाई तुम अपने इस एक्सपेरिमेंट को और भी लोगों तक पहुँचाओ। तब उन्होंने यूट्यूब को चुना, क्योंकि उस समय जियो आ चुका था। उस समय और भी करोड़ों लोगों ने यूट्यूब को देखना शुरू कर दिया था। पर उसी समय उनकी एक नई कंपनी में जॉब लगी थी, जिसके बाद उन्होंने यूट्यूब को पार्ट टाइम करने का सोचा और कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट मोबाइल से रिकॉर्ड कर वह यूट्यूब पर डाला करते थे। उन्होंने अपनी यूट्यूब की यात्रा 23 जनवरी 2017 को की थी, जहां उन्होंने अपने पहले वीडियो में लोगों को बिना चाबी से ताला खोलना सिखाया और उसके बाद ऐसे कुछ वीडियोज़ डाले, जिसके बाद शुरू में उनके वीडियोज़ पर लाइक से ज़्यादा तो डिसलाइक आया करते थे। पर इन सबको वह देख कभी डिमोटिवेट नहीं हुए और फिर आगे चलकर उन्होंने अपने साइंस के इस गुण को लोगों को दिखाया, जिसके बाद उनके यूट्यूब चैनल की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ गई। आज उनके एक्सपेरिमेंट वाले वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। पर एक ऐसा वक्त था जब सिर्फ 40 व्यू देख दिलराज खुश हो जाया करते थे। दिलराज भाई को यूट्यूब करियर में एक ऐसा भी समय आया था जब वो अपना चैनल बंद करने की बात किया करते थे। यह बात है 2018 की। दरअसल उनके एक एक्सपेरिमेंट को करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता था। शुरू में तो वह सिर्फ अपने जॉब के पैसों से एक्सपेरिमेंट किया करते थे, पर उनके जॉब पर यूट्यूब का तभी बुरा असर हुआ जिस कारण उनको उनके जॉब से निकाला गया था। और अब समय बदल चुका है, अब वह अपने एक्सपेरिमेंट वीडियो से इतना पैसा कमा लेते कि उन्हें अब जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिलराज सिंह रावत छोटे से गाँव से आकर साइंस एक्सपेरिमेंट के वीडियो से प्रैक्टिकल दिखाकर वह लोगों का मनोरंजन करवाते आए हैं। और अब दिलराज भाई और उनकी टीम के कुछ मेंबर पॉजिटिव आए थे, तब लोगों ने पता नहीं क्या क्या अफवाह फैलाई थी। मैंने भी उनके डेथ को लेकर एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों हमें किसी के बुरे समय पर कभी नहीं हंसना चाहिए, नेगेटिविटी में भी हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। उसी के साथ इस समय में कितना भी पॉजिटिव रहे लेकिन हमारी रिपोर्ट तो नेगेटिव ही रहना चाहिए। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, क्योंकि हमें आपकी चिंता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए भाई मेरे भी सब्सक्राइबर बहुत कम है, अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, हमें यूट्यूब पर कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी, हमें ऊर्जा मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।